नमस्कार बारवाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत करुच्छी प्रथम हेडलाइंस भवानीपाटणा मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को कला पताका मंत्री माणिकेश्वरी हाईस्कल को जीवा बाटर कला पताका प्रदर्शन कले युव कांग्रेस कर्मी कैप्टेन को बहिष्कार दावी ममिता हत्या मामला भारतीय विकास परिषद पक्षर हाइकोर्ट में मिसकेस दायर घटना रे मंत्री दिव्यशंकर को पक्षभुक्त आवेदन सेपटे ममिता को न्याय दाबी रे बीजेपी दस्तखत अभियान बढ़ुची अपराध खाली पड़ी पुलिस पद दुई वर्षर ट्रेनिंग परे आज चाकरी में जोगदे सात डीएसपी और 291 एसआई आहरी 11,000 पद खाली अपराध नियंत्रण सृष्टि चैलेंज रिमांड शेष पर कोर्टे हाजर हेले कोटिपति प्रताप सावल सरकारी बाबू को दिगला बाध्यतामूलक अवसर सेपटे प्रताप को भौणी को विजिलांस पचराउचरा दुईट जाक फिल्म प्रयोजिका थिले नमिता कटक बादामबाड़ी थाना पुलिस पंचारे नकली डाक्तर जाल कागजपत्र और परिचय पत्र मध्यम बैंक को ठकी अभियोग नकली डाक्तर श्रीधर राउत उर्फ सिद्धार्थ सार्थक गिरफ बंगोपसागर सक्रिय लघुचाप अवपात में परिणत काली अतिक्रम कर चेन्नई ओडिशा उपरे नहीं सीधासलख प्रभाव छटी जिले में मध्यम धरण वर्षा होगा संभावना निशा कबल रे ओडिशार शैशव विजु पटनायक पुलिस एकाडेमी अनुष्ठित दीक्षांत समारोह रे मुख्य अतिथि भाव जोगदे राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल एवं ओडिशार निशा कमिबार आवश्यकता रही राज्य में जगन्नाथ भली निशा थाउ थाउ नकली निशा आसुची केउठो निशा सब अपराधर मुख्य कारण निशा कमिले अपराध कमिबो ओडिशा भारतर नुहे विश्वर सबुठ भल राज्य आईन श्रृंखला संपर्क में जहाँ अनुभव करुछि राज्य सरकार को सह आलोचना करुछि राज्य सरकार विशृंखला रोकिबा पाई चेष्टा करुछन्ते कहा को वीआरएस दिया जाइछि तो आउ कहा को चाकरीरु बहिष्कृत करा जाउछि एपरि कि विधायक हेले मध्य भूल कले जेल रे भर्ती करा जाउछि पूर्व अपेक्षा ओडिशा बहु बदलैछि बोली प्रतिक्रिया रखिछन्ते राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल और जहाँ तक ओडिशा का संबंध है ओडिशा प्रदेश का पूरे ओडिशा के रिमोटेस्ट पॉसिबल कॉर्नर्स पर जाने पर जो मुझे एहसास हुआ है तो मेरी एक ही प्रार्थना है पुलिस पर्सोनल से कि ओडिशा के बचपन को बचाने का ज़रूरत है जो मैं महसूस कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पेपर्स के माध्यम से उसमें मुझे थोड़ा लगता है कि जो नशा इधर है वो कम होना चाहिए ख़त्म होना चाहिए जगन्नाथ का नशा कोई कम थोड़ा है हर एक व्यक्ति छोटा छोटा बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो तीन चक्कर घुमाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीन दिन तक घुमाता रहता है हर बच्चा अपनी जेब के अंदर प्रभु जगन्नाथ रखता है तो फिर ये नकली बाटल किधर से आ गया ये नकली नशा किधर से आ गया ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ जो प्रदेश मेरे हैं उनके कुछ लोग होंगे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे
इसलिए मुझे लगता है क्योंकि ये नशा जो है ये सभी क्राइम एक्टिविटीज़ का आधार बन जाता है, फिर उस सब तरह के पाप हो जाते हैं। हम बाकी पापों को अगर इलिमिनेट करना चाहते हैं तो इस नशे को हमको समाप्त करना होगा। भवानीपाटना रे मंत्री दिव्य शंकर मिश्र को कलापताका प्रदर्शन, मंत्री माणिकेश्वरी हाईस्कल को जीवा बाटर कलापताका प्रदर्शन कले युव कांग्रेस कर्मी, कैप्टन को बहिष्कार दावी करिसथि कांग्रेस कर्मी। दिव्य शंकर मिश्र को कलापताका प्रदर्शन एवं कलापताका प्रदर्शन करिसथि युव कांग्रेस कर्मी, कैप्टन को बहिष्कार दावी करिसथि कांग्रेस कर्मी। मंत्री माणिकेश्वरी हाईस्कल को जीवा बाटर कलापताका प्रदर्शन करिसथि युव कांग्रेस कर्मी, कैप्टन को बहिष्कार दावी करिसथि कर्मी। ए बाबत अधिक सूचना पाई हम सहित जसवंत धांगड़ा माछी हम रिपोर्टर जोड़े रहिछन्ते। जसवंत, पूरा घटनाक्रम कौन रही? निश्चित भाव में माधुरी, देखो आज जेहेतु कलाहांडी जिलार जो 5T अधीन पाखापाखि 29 स्कूल को रूपांतरण कार्यक्रम थिला, आउ एही कार्यक्रम रे ये गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर अच्छा से कार्यक्रम जोग देवार थिला, एवं ता सांगरे जो अन्य निर्वाचन मंडल विधायक लांजीगढ़ विधायक एवं धर्मगढ़ विधायक एवं नरला विधायक भूपिंदर सिंह समस्त कार्यक्रम जोग देवाई आसते, एवं गृहमंत्री जे कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र जो माणिकेश्वर हाईस्कल को जो कार्यक्रम को जीवा समय माणिकेश्वरी स्कूल सम्मुख रही युव कांग्रेस कर्मी मैंने जो मैंने अच्छा त्रिलोचन पाणिग्राही मोहम्मद साहेब अच्छा सागर पटनायक मैंने जो मैंने अच्छा कांग्रेस कर्मी मैंने माणिकेश्वर हाईस्कल सामन ही मंत्री को कलापता प्रदर्शन करते बी आर अंबेदकर फटोचित्र धरिकी गृहराष्ट्र मंत्री गो बैग एवं मंत्री तुम्हें इस्तफा दि बोलिकी मैंने दावी करते माधुरी। ओके, मंत्री इस्तफा दिंतु एक दावी करुछंती, आमे देखुछु जशवंत राज्यर प्रति स्थान रे ए नारा उठुची एवं मंत्री इस्तफा दावी करा जाउची किंतु कोनोसी असर पड़ु नाही। नहीं मात्र देखो जेहेतु ममिता मेहर हत्याकांड घटना को पाखापाखि मसे ऊर्ध हो गला, किंतु वर्तमान सुधा जहाँ ना अभोग परिवार ममिता परिवार वर्ग ममिता माँ बापा जहाँ ना अभोग आणुंतु आज पर्यंत से पदवी इस्तफा देना कि राज्यर मुख्यमंत्री मानने कौन पदक्षेप नौना विरोध में कौन कार्यानुषानी जारी फल कि उभय बीजेपी और कंग्रेस दीर्घ दिन है मंत्री इस्तफा दावी कर किंतु वर्तमान सुधा ये सारा राज्य में वर्तमान ममिता मेहर निया व्यापला, किंतु आज पर्यंत ममिता मेहर घटन जहाँ ना संप्रक्त आसी से विरोध में आज पर्यंत कौन कार्यानुषान जारी फल कि आज सारा राज्य में निया जलुच्छे और विरोधी मैंने मंत्री मैंने जो आड़े जाऊँगी कलापता प्रदर्शन करंडामाड़ा नजर रही माधुरी। ओके, अंडामाड़ा कर जो क्या कह मंत्री बहिष्कार दावी करुंतु प्रति स्थान में ममिता हत्याकांड घटना को नहीं निया जलुता बेले वर्तमान पर्यंत कौन से आक्शन निया ना कोटना कौटी गोटे दुर्भाग्यर विषय। बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत धांगड़ा माछी रिपोर्टर आम सहित जोड़े रही थे। ममिता हत्याकांड विवाद मध्यरे सरकार को स्टाटस रिपोर्ट मागिले हाइकोर्ट, दुई दिन पूर्व हाइकोर्ट द्वारस्थ होते ममिता परिवार सदस्य आ प्रसंग में तदंत केते दूर आगे से नहीं रिपोर्ट मागिले हाइकोर्ट। डिसेंबर 3 रे मामलार परवर्ती शुणी धार्य कर मामलें त्वरित शुणी और फास्ट्राक विचार पर अपिल करते परिवार। दुई दिन पूर्व ममिता हत्या मामला हाइकोर्ट में पहुंची निर्दिष्ट समय भितर तदंत शेष करने को आवेदन करते परिवार सदस्य। गृह सचिव डीजीपी बलांगीर जिलापा और एसपी को पक्षभुक्त आवेदन करधेकला आईआईसी को पक्षभुक्त करने को आवेदन करते ममिता पर लोके जे इन्वेस्टिगेशन चली सब ठीक चली किंतु ये इन्वेस्टिगेशन टा जत्ते शीघ्र सरीगले बहुत भल हम जेहेतु से मानने जो प्रतिदिन चर्चा चली विचार चली सब विषय विभिन्न प्रकार मत चली मतामत चली विभिन्न कमेंट चली सब जिनसर अंत घट तार पूर्णच्छेद घट यह जिते दिन इन्वेस्टिगेशन जिते डेरी हो तांकर माने प्राइवेट लाइफ टा पूरा दुर्विपाक हो गला बचाप सब बेले सब जिनस समस्त ये कमेंट कर इंटरफेयर कर तेणुक यथाशीघ्र इन्वेस्टिगेशन टा सारीदे ये भल एवं यह
लॉ अच्छी जे जो सीरीयस ऑफेंस ये भाया थाए से किसी डिले नक जिते शीघ्र यहाँ समाप्ति हवा दरकार रिपोर्ट दाखल हवा दरकार। ममिता मेहर को न्याय दाबी भुवनेश्वर जिला बीजेपी युव मोर्चार दस्तखत अभियान मंत्री दिव्य शंकर मिश्र को बहिष्कार सीबीआई तदंत दाबी अभियान बरमुंडा बस स्टैंड ठारे दस्तखत अभियान माध्यम से साधारण लोक आंदोलन सह जोड़ा प्रयास दीर्घ दिन धरी विरोधी प्रतिवाद करुले भी सरकार शुणुन एवं प्रतिवाद और आंदोलन में साधारण लोक और बुद्धिजीवी को सामिल करने को यह अभियान आयोजन कर राज्य में पुलिस संख्या कम सह तालते बढ़ुची अपराधिक मामला अपराध नियंत्रण पर खाली थिबा पुलिस पद पूरण जरूरी थिले भी 11,000 अधिक पुलिस पद खाली पड़ी तबे 2 वर्ष ट्रेनिंग परे आज पुलिस चाकरी में जोग देते 7 डीएसपी और 291 एसआई बढ़ुची अपराध खाली पड़ी पुलिस पद अपराध नियंत्रण पर पुलिस पद पूरण जरूरी थिबा बेले प्रशिक्षण पर आज पुलिस चाकरी में जोग देते 7 डीएसपी और 291 एसआई एपं विजु पट्टनायक राज्य पुलिस एकाडेमी आयोजित होता दीक्षांत समारोह राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल मुख्य अतिथि भाव जोगद पासिंग आउट परेड में अभिवादन ग्रहण करते ट्रेनिंग और प्रोबेशन समय भल नंबर रखि कैडेट मानक पुरस्कृत करते राज्यपाल 2 वर्ष धरी दि जाइए तालीम मुख्यतः साइबर अपराध शिशु और महिला जनित अपराध और तदंत प्रक्रिया उपर गुरुत्वारोप कर विशेषकर जेहेतु सब इन्स्पेक्टर रैंक अनुसंधानटा हूँ इम्पोर्टेन्ट अनुसंधान जो दक्षता भितर केमती रही तार मेथोडोलोजी आम शिखीचु फोरेन्सिक साइंस फोरेन्सिक मेडिसिन ए बेचे आम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन आम प्रायोरिटी थिला वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज उपरे भी आमर प्रायोरिटी आम देखूँ आमको नुआ नुआ जिते सब अमेंडमेंट देती लॉ रे नुआ नुआ एरिया फोकस जमी साइबर क्राइम हो वुमेन एम्पावरमेंट हो वुमेन रिलेटेड लॉज हो तांको विषय आमको ट्रेन कराई आम होपफुली आम से हिसाब से यू जहाँ शिखिलु से आम फिल्ड भी सेयर करने राज्य में खाली पुलिस पद को नहीं सृष्टि बड़ चैलेंज जो अपराध नियंत्रण और आईन श्रृंखला रक्षापी नाकेदम हो पुलिस विधानसभा गृहमंत्री देखा तथ्य अनुसार राज्य में एवं 11,465 पुलिस पद खाली पड़ी से सबुठ अधिक खाली पड़ी 3,499 कनेस्टेबल पद सिपाही पद खाली पड़ी 2,115 से हीपरी एएसआई पद 693 एसआई पद 1327 कनेस्टेबल पद 248 और 168 डीएसपी पद खाली पड़ी पुलिस एत संख्यक पद खाली पड़ थ अपराध भी बढ़ुची 2019 1,21,525 मामला पंजीकृत होता बेले 2020 1,34,230 मामला पंजीकृत होती स्थित साइबर अपराध महिला अपराध हिंसा और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पुलिस बड़ चैलेंज सृष्टि कर बहुत क्रुशियल टाइम पुलिस को जॉइन कर से माने को खूब भल ट्रेनिंग दिया जाए बीपीएसपीए रे भल ट्रेनिंग दिया जाए फील्ड भी बहुत भल ट्रेनिंग दिया जाए से माने को जीवन खूब चैलेंजिंग हेबारे अच्छी तो प्रोफेशनली जो चाकरी सबुठ बेसी चैलेंजिंग अच्छा ता भीतर गोटे पुलिस डिपार्टमेंट चाकरी तबे प्रश्न काहें कि पूरण होनी खाली पड़ी पुलिस पद अपराध नियंत्रण और आईन श्रृंखला अलगा करने सुप्रीमकोर्ट परामर्श देते राज्य यह केवे लागू हेब ताकू नहीं उठी बड़ प्रश्न भुवनेश्वर कैमरा पर्सन हेमंत रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल अस्थिशल्य विभाग में सांघातिक अव्यवस्था ऑपरेशन थिएटर में व्यवहृत होता ऑपरेटिंग लाइट बा सर्जिकल लाइट हेड खराब थिबारु तीन दिन है ऑपरेशन हो पारुनि तबे डॉक्टर नीलमाधव पात्र सोनपुर काम करते किंतु गंजाम जिला दिग पहंटी पैतृक घर होमकेसीजी मेडिकल भर्ती होती अस्थिशल्य विभाग 585 नंबर बेड्रे जंघ जयंट खराब रही हेतु जंत्रणा होवु डॉक्टर कहते ऑपरेशन हो
पूर्वरु अक्टोबर मासरे छुट्टी कही घर को पठाई देथिले एबे पुणी 11 दिन पूर्वे भर्ती होइछन्ते मेडिकल किंतु एजाए होइ परुनि ऑपरेशन केबे हेबो कहिले ऑपरेशन लाइट खराब हेउथिबारु चिकित्सा होइ परुनथिबा कहिछन्ते एवं दिन गडाउथिबा मथे अफिचो करिछन्ते नीलमाधव मु रहुछि सनपुर डिस्ट्रिक्ट रु आसिक ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल 27/10/2021 रे जॉइन हेतिले सेठी भिड़ अच्छे टिके छुट्टी लक्ष्मी पूजा छुट्टी पड़ जाए बोली मत डिस्चार्ज दे छुट्टी असुविधा मोर जंगर जॉइंट दीटा खराब हो जाए मुझे जान नी कहे ऑपरेशन होगा पड़ो कहले बोले मुझे पलि आज आसिक 11 दिन है जॉइन हो सब ब्लड रिपोर्ट एक्सरे सब टेस्ट सर सेमिनारी सर आउ लाइट ऑटो लाइट खराब हो जाए ऑटो लाइट सजेले तुम ऑपरेशन बोल कहते प्रथम पेसेंटर जो रिलेसन जी कि आम घर पाख लोक सी मत ब्लड मुझे दि चार दिन सप्ताह पर पचारि ब्लड अरेंज हो गला ना कौन काम सरला सी कहले ना ऑपरेशन ही हैनी ना कौन पर ही ना ऑपरेशन थिएटर में लाइट ना ओटी में लाइट व्यवस्था ना तेणुक ऑपरेशन है 12 दिन है जॉइन हो तार ऑपरेशन है मुझे दि चार जन पचारापर जना पड़ा जे ए टाइप करी लोक प्राइवेट हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दूसरी मरीज को लेट्रे कष्ट संभा नपरि से प्राइवेट हॉस्पिटल को पलाऊँच ए प्रकार एडवर्ड हॉस्पिटल गंजाम जिलार 1 नंबर हॉस्पिटल ब्रह्मपुर 8 लक्ष बासिंदा अच्छा भरोसा कर एडवर्ड हॉस्पिटल उपर ए प्रकार दुर्दशापी आमको बहुत खराब लगुच आर तुरंत व्यवस्था करमर दाबी ए बाबद्र अधिक सूचना पई हम सहित रिपोर्टर पीतांबर नाहक जोड़े रही पीतांबर ब्रह्मपुर एक खबर आसपा आज नुआ नुहे एभली घटना बारंबार सामनाक आसी अव्यवस्थार चित्र बारंबार सामनाक आसी किंतु केउठे लाकुना रही जाउछि काहेकि एभली अव्यवस्था सबुबले सामनाक आसुछि माधुरी निश्चित भाव भिन्न भिन्न अभियोग आसुथिला विभिन्न समय रे किंतु नीलमाधव अंक क्षेत्र रे ए जो कथा आसुछि गोटे गुरुतर एवं सांघातिक चित्र जिते बेले जने व्यक्ति गंजाम से सोनपुर जरे काम करती सोनपुर रु पूर्व छुट्टी पूर्व से एमकेसीजी हॉस्पिटल को आसीथिले किछिटा जो भाई भाव में ऑपरेशन दरकार थिला से ऑपरेशन जो से आसीथिले ता परवर्ती समय रे तांको कुहा गला जे वर्तमान छुट्टी रही जेहेतु छुट्टी रही ऑपरेशन होई पारिबो नाही ता परवर्ती समय रे जिते बेले लाइट रो प्रॉब्लम देखा गला जेमते कि ऑपरेशन थिएटर रे बा ओटी रे जो भाई भाव ऑपरेटिंग लाइट दरकार से लाइट रे किसी त्रुटि रही किंतु से त्रुटि केते दिन एमती चली थी जड़े लोक केते दिन एमती जंत्रणा भोग थी कहीं नीलमाधव क्षेत्र में जो ऑपरेशन हे से गोटे बड़ ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन कहीं जो भाव में जंघर जो जॉइंट रही जॉइंट संपूर्ण भाव कष्टदायक से चलवाटा अक्षम संपूर्ण भाव कष्ट हो तो ताकु नहीं कि जेते बेले आम पाखु खबर आसीथिला तांको निकट रे आमे पहुंचीथिलु से जेउ कथा कहिथिले संपूर्ण भाबे लोम टांकुर उठिबो जे जेउ बुली भाबरे से दीर्घ दिन होला 11 12 दिन होला हॉस्पिटल लछंती एवं विगत 3 दिन पूर्वरु तांकर जेउ ऑपरेशन डेट दिया जाइथिला सेही डेट रे ऑपरेशन होइथांता किंतु से दिन ऑपरेशन होइ परला नाही से जेते बेले बारंबार डाक्टर को पचारला आगे हमर ऑपरेशन केबे हेबो किंतु डाक्टर कहते जे आमर पाखरे किछि संभव नाही जेंको भली आबे से लाइट जो दिन ठीक हबो से दिन ऑपरेशन हबो किंतु ए संक्रांत रे जते बेले से बारंबार पचारि थिले लाइट आज पर्यंत ठीक होई परला नाही ऑपरेशन डेट रो 3 दिन बीत जाइछि किंतु आज पर्यंत ऑपरेशन होई परि नाही जहाकु ने कि नीलमाधव मध्य मन दुख करथिले से माने गोटे रोगी क्यों भली भाव से डाक्टर खाना रे क्यों परिस्थिति रे रहिछि ताहा मध्य निश्चित भाव गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण विशेष भाव आम संपर्क एमकेसीजी सुपरिटेंडेंट को पाखु गुरुतर सहित नहीं संपर्क में मुझे जानी जो डॉक्टर को से पचारे लाइट रही असुविधा ना बोली कहले कि माधुरी सब गुरुत्वपूर्ण कथा जो ऑपरेशन थिएटर रही भितर को हे तो आम जाइन किंतु से निकट को आम जाइए तार विजुआल उत्तोलन ऑपरेशन थिएटर रो बाहर उत्तोलन डॉक्टर जनक उपस्थित थे ना कह पक्षे संभव नुह से मध्य कहिसेंती जे गोटिए ओटी रो लाइट संपूर्ण भाव 4 रु 5 दिन हला प्रॉब्लम है कि अछि असुविधा होइछि तो सेथि पई सेठारे ऑपरेशन संभव होइ पारु नाही एहाकु तुरंत सजाडिले अनेक रोगी मध्य उपकृत होइ पारेते तो गोटे दक्षिण ओडिसा रो एते लोकंकर भरोसा योग्य बड़ मेडिकल किंतु बड़ मेडिकल ल ए होउछि प्रकृत गुमर
ଯେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ BSKY କାର୍ଡ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ MKCGରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର କରୁଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି MKCG ଯିବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାର ଅପରେସନ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ସେ ବେଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ଚାଲିଲେ ପାଦ ପକାଇଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ମାଧୁରୀ ବିଲକୁଲ, ପୀତାମ୍ବର ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏସବୁ କେବେ ସୁଧୁରିବ ବା ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କଟକ ବାଦମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ପଞ୍ଚାରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର, ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଓ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଠକିଥିବା ନକଲି ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଧର ରାଉତ ଓରଫ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍ଥକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍ଥକ ନାମକ ଯୁବକ ଜଣକ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ କଟକ ବଜ୍ରକବାଟି ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଲୋନ୍ ନେଇ ଏକ କାର୍ କିଣିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚମାନଙ୍କରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ନକଲି। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ କଟକ ତାହାଳିବାଗ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍ଥକ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଏମ୍ସରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମର 16/11/2021 ଆମର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଦୋଳମଣି ବେହେରା ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଜ୍ରଗଟିର ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ କି ଜଣେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଥକ କହି ଜଣେ ପିଲା ଯେ ନିଜକୁ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ସ ପାଟନାରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି, ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତା'ର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫଲ ତା'ର ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇକିନା ଗୋଟେ କିଆ କାର୍ଟେ କିଣିବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ 16,50,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛି ଆଉ କାର୍ଟା ରାଉରକେଲା କିଆ ମୋଟର୍ସରୁ କିଣା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ତାପରେ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ସେ କାର୍ କିଣିଲା ପରେ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଆମର ଅଛି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ଅଛି, ମଧୁପାଟନାରେ ଅଛି, ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଅଛି, ଇଭିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଜାଗା ଯେହେତୁ ସେ ବୁଲୁଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ କରିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛି ନିଜକୁ ସେ ଡକ୍ଟର ଅଛି ଏମ୍ସରେ ଭୁବପାଟନାରେ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଅରିଜିନାଲ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆଉ ଆଧାର ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ସେ ଏମ୍ସରେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ସେଠି ପାଟନାରେ। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ କୋଟିପତି ପ୍ରତାପ ସାମଲ। ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ କୁବେର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା OPHWC ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ବିଡ଼ାବିଡ଼ା ଟଙ୍କା, ମାଳମାଳ ପ୍ଲଟ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜବତ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିକଟରୁ 14,87 ଲକ୍ଷର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆୟଠାରୁ 1,087 ଗୁଣ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କୁବେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପ ସାମଲ ଗିରଫ ଘଟଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଭଉଣୀ ନମିତା ଦାସଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଫିଲ୍ମ ବାବଦକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଫିଲ୍ମରେ ନମିତା ଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜିକା। ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଏଜେନ୍ସି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭାରତରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଓ ସେଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ମିଳିତ କମିଶନର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସେଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ CEO ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ MOU ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବହନ କମିଶନର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଆମର ରାସ୍ତାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ।
5000 ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ, ଭେଣ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ ନିଅ, ବିଧାୟକ କମିଶନର ଫିତା କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ 1500 ଦିଅ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନା, ଉଠା ଦୋକାନୀ ନେତା ତଥା ସିଏମ୍ସି ଟାଉନ୍ ଭେଣ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭେଣ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ ହିତାଧିକାରୀ କହୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ 160 ଭେଣ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ରୁ 54 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମୋ କଟକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ସୁରେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉଠା ଦୋକାନୀ ନେତା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଖର୍ଚ୍ଚ କହି ଦୋକାନ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରାଇଦେବେ ବୋଲି 5000 ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଫିତା କାଟିବା ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କଲେଜ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମଞ୍ଚ ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଲେ ଫିତା କଟା ହେବା ପାଇଁ ଜଣିକା 1500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସନ୍ତା। କିଏ ଫିତା କଟେ କରିଥିଲେ? ଅନନା ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଭାତ ଉତ୍ତର ପୁଅ ଆସିଥିଲା। ହଁ, ଜଣକୁ 1500 କେତେ ଦୋକାନୀ ଦେଲେ? ଆମେ 18 ଜଣ। ସବିଶେଷ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।